वेलफेयर इफेक्ट्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। जब हमने हम वेलफेयर इफेक्ट्स की बात करते हैं तो बेसिकली फॉर द मेयरमेंट ऑफ द वेलफेयर इफेक्ट्स हम यूज करते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस एंड कंज्यूमर सरप्लस और हमने प्रोड्यूसर सरप्लस को डिफाइन किया था कि इट इज द एरिया दैट लाइज अब दप्लाई कर बट बिलो टू दर्किट इक्विब्रिम प्राइज फिर इस तरह हमने कंज्यूमर सरप्लस को डिफाइन किया था एरिया दैट लाइज बिलो टू डिड कर बट अब इक्विब्रीम प्राइस जब हम परफेक्ट कंपटीशन में की बात, करते हैं कि output, जब आप की बात करते हैं तो अगेंस्ट ऑप्टिमल लेवल ऑफ द आउटपुट आपकी जो एवरेज मिनिमम जो आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट होगी दैट इज नॉट मिनिमम इनफैक्ट अगेंस्ट द ऑप्टिमल लेवल ऑफ द आउटपुट इम्परफेक्ट ऑपरेट्स टू द लेफ्ट ऑफ एवरेज टोटल कॉस्ट कर अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे औरजेंटल एक्सिस पे क्वांटिटी फॉर ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स ले रहे हैं और वर्टिकल एक्सिस पे हमने प्राइस ली है यहाँ पे एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है जिसको मैं कह सकता हूँ दैट इज द मार्केट सप्लाई कर्व और एक मेरे पास डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है जिसको हम कहते हैं मार्केट डिमांड कर्व इफ फर्म ऑपरेट्स अंडर परफेक्टली कंपेटेटिव मार्केट देन मार्केट प्राइस हम डिटर्मन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई और यहाँ पे वो आपके पास इक्विलिब्रियम प्राइस होगी पी पी सी और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी क्यू पी सी और जो हमने डिफाइन किया था कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस तो उस बेस पे यहाँ पे जो कंज्यूमर सरप्लस होगा वो मेरे पास आप कह लें जितने भी यहां पे मैंने ये जो डिफरेंट एरियाज हैं मैंने उनको आप कह लें असाइन किया है ए बी सी डी ई एफ जी एच इफ फार्मर इज प्रोड्यूसिंग मार्केट इज ऑपरेटिंग जो मेरे पास यहाँ पेमर सरप्लस होगा वो होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई लेकिन जब आप प्रोड्यूसर सरप्लस की बात करोगे फॉर अ मार्केट ऑपरेटिंग कंपेटेटिव मार्केट वो मेरे पास होगा एफ जी एच लेकिन जब आप हम कहते हैं कि, आ, आ, तो वहां पे मेरे पास फर्म्स इक्विलिब्रियम होता है बाय इक्वेटिंग मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट और ये आप कहने जो मेरे पास मार्जिन उसकी स्लोप इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिमांड कर्व और इस डायग्राम में मैं मार्जिनल रेवेन्यू को डिनोट कर रहा हूं विद रेड लाइन और साथ में मैंने लेबल कर दिया मार्जिनल रेवेन्यू हां जी किस पॉइंट पे अब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट होगा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट विल बी डिटरमाइंड एट अ पॉइंट वेयर मार्जिनल रेवेन्यू इंटरसेक्ट्स द मार्जिनल कॉस्ट और ये जो सप्लाई करवाइ इन दिस इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ दउटपुट होगा मेरे पास For, और अब ये जो एरिया है आपके पास बिलो टू द डिमेंड कर बट अब प्राइस दैट इज चार्ज चार्ज इन दार्केट वो आपके पास इंडिकेट करेगा कंज्यूमर सरप्लस और इस केस में अब ये क्या हो जाएगा अंडर इन परफेक्ट कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू ए बी लेकिन जब आप प्रोड्यूसर सरप्लस वाले एंड पे जाओगे देन दैट प्रोड्यूसर सरप्लस इज एरिया दैट लाइज बिलो टू प्राइस दैट इज चार्ज इन मार्केट एंड अबव टू पास होगा सी डी एफ जी लेकिन अब यहां पर इज सर्टन एरिया That, that does not go neither towards the consumer side nor towards producer side. Wo kya hai? That is e EH. And this is the loss in economic welfare, and this loss in economic welfare is because of production under imperfectly competitive market structure. Ke when output is produced under imperfectly competitive market, it has welfare effects on the society. कि जब आप ऑपरेट करोगे अंडर इन परफेक्ट कंपेटेटिव मार्केट देयर इज लॉस इन इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी क्योंकि जब आप इकोनॉमिक वेलफेयर को डिफाइन करते हो इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी इट इज इक्वल टू कंज्यूमर सरप्लस पर प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस लेकिन हमने उस डायग्राम में अभी इस चीज को ऑब्जर्व किया कि देयर इज डिक्रीज इन इकोनॉमिक वेलफेयर हाँ जी वो डिक्रीज इन इकोनॉमिक वेलफेयर क्यों हुआ

and buyer is paying minimum price against the optimal level of the output or your equilibrium out of if market is operating out of equilibrium out of equilibrium demand is not equal to supply then then there is a debt weight loss or imperfect competition always results in loss of the welfare of the society also under imperfect competition देर इज इंक्रीज इन प्रोड्यूसर सरप्लस बट देर इज द डिक्रीज इन कंज्यूमर सरप्लस और उसके साथ साथ क्या हो जाएगा देर इज डिक्रीज इन टोटल इकोनॉमिक सरप्लस और अब मैं अगर इस सारे को समराइज कर दूं कि ए फार्मर इज मेकिंग प्रोडक्शन अंडर इन परफेक्टली कंपेटेटिव मार्केट इट रिजल्ट इन वेलफेयर लॉस ऑफ द वेलफेयर लॉस ऑफ सोसाइटी सोसाइटी में कौन लोग हैं सोसाइटी में आइदर कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर के कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर एज अ होल क्या बनाएंगे दे विल मेक सोसाइटी एंड ए फार्मर इज मेकिंग प्रोडक्शन परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट देयर इज अ लॉस इकोनॉमिक लॉस टू वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी